नमस्कार, मैं हूं टीना और जनक में आप सबका स्वागत है। उद्योग एवं वाणिज्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ बीती रात को कोटा पहुंचे और बुधवार सुबह वह रामगंज मंडी के लिए रवाना हुए। इससे पहले वह मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उद्योग और रोजगार बड़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। कोटा का अपना एक उच्च स्थान है, यहाँ की इंडस्ट्रीज हुई, यहाँ की एजुकेशन सेंटर्स हुए। आज मदन जी दिलावर के कार्यक्रम में यहाँ आने का मुझे मौका मिला है और कार्यक्रम के साथ साथ कोटा में यहाँ पर आया हूँ। मैंने अपने साथी अधिकारियों को ये कहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जितने भी हमारे आईटी वाले विभाग हैं उनके साथ चर्चा करेंगे यहाँ पर और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठेंगे तो जो बातें निकल कर आएंगी उनका समाधान करेंगे। हमारा मकसद है राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्रीज बढ़े, जो लाल फीता चाहिए उसको ख़त्म करेंगे, उनके लिए आसान करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रेवेन्यू जनरेशन हो और उससे इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ राजस्थान का भी लाभ हो कि ताकत की वजह से पानी का पूर्ण समाधान हो जाएगा। और कोटा में तो पानी की समस्या भी नहीं है। सो हर तरह से अपने जितने विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ और जो लोग हमारे विभाग के साथ जुड़े हुए हैं उनसे आज बातचीत करूँगा यहाँ कोटा में। आज एक ही दिन हूँ यहाँ लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि इन सभी विभागों के साथ बातचीत हो। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज के साथ साथ राजस्थान भी आगे बढ़े, इस दिशा में भी काम करेंगे। कोटा को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, उद्योगों की समस्याओं को देखा जाएगा और सार्थक समाधान निकालेंगे। कोटा के इंडस्ट्रीज और उद्योगों से जुड़े लोगों से भी चर्चा करेंगे। कोटा पहुंचे मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ का मदन दिलावर ने सर्किट हाउस पहुंचकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों रामगंज मंडी के लिए रवाना हो गए। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जनक, देखते रहिए जनक और पढ़ते रहिए जनक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।